मेरे प्यारे देशवासियों, देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। ये दिन हम सब के लिए गौरवपूर्ण और पावन है। चारों ओर उत्सव का वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये प्रसन्नता और गर्व की बात है कि कस्बों और गाँव में, यानी देश में हर जगह बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे देशवासी बड़े उत्साह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वाधीनता दिवस का उत्सव मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद भी दिलाता है। अपने गांव के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने की हमारी खुशी रोके नहीं रुकती थी। जब तिरंगा फहराया जाता था तो हमें लगता था जैसे हमारी शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। देशभक्ति के गौरव से भरे हुए हृदय के साथ हम सब राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते थे तथा राष्ट्रगान गाते थे। मिठाइयाँ बांटी जाती थी और देशभक्ति के गीत गाए जाते थे जो कई दिनों तक हमारी मन में गूंजते रहते थे। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं स्कूल में शिक्षक बनी तो मुझे उन अनुभवों को फिर से जीने का अवसर प्राप्त हुआ। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने खुशी को बच्चों की तरह व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय पर्व से जुड़े देशभक्ति की गहरी भावना में तनिक भी कमी नहीं आती है। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। हमें हर एक की अलग अलग पहचान है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़े पहचान भी होती है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसे है जो इन सब से ऊपर है और हमारी वो पहचान है भारत का नागरिक होना। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं। हम सबको समान अवसर और अधिकार उपलब्ध है तथा हमारे कर्तव्य भी समान है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी, किंतु लंबे समय तक चले उपनिवेशिक शासन ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सपेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आज़ादी हासिल की है, हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की। हमारी स्वाधीनता के साथ विदेशी शासकों द्वारा उपनिवेशों को छोड़ने का दौर शुरू हुआ और उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा। हमारे द्वारा स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन उससे भी अधिक उल्लेखनीय है हमारे स्वाधीनता संग्राम का अनोखा तरीका। महात्मा गांधी तथा अनेक असाधारण एवं दूरदर्शी विभूतियों के नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अद्वितीय आदर्श से अनुप्राणित था। गांधी जी तथा अन्य महानायकों ने भारत की आत्मा को फिर से जगाया और हमारी महान सभ्यता के मूल्यों का जन जन में संचार किया। भारत के ज्वलंत उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमारे स्वाधीनता संग्राम की आधारशिला सत्य और अहिंसा को पूरी दुनिया के अनेक राजनीतिक संघर्षों में सफलतापूर्वक अपनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं भारत के नागरिकों के साथ एकजुट होकर सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
उनके असंख्य बलिदानों से भारत ने विश्व समुदाय में अपना स्वाभिमानपूर्ण स्थान फिर से प्राप्त किया। मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ जैसे वीरांगनाओं ने भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिया। माँ कस्तूरबा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर सत्याग्रह के मार्ग पर चलती रही। सरोजिनी नायडू, ओमु स्वामीनाथन, रमा देवी, अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी जैसे अनेक महिला विभूतियों ने अपने बाद की सभी पीढ़ियों की महिलाओं के लिए आत्मविश्वास के साथ देश तथा समाज की सेवा करने के प्रेरक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आज महिलाएं विकास और देश सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं तथा राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज हमारी महिलाओं ने ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान बना लिया है जिनमें कुछ दशकों को पहले उनकी भागीदारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण से परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। मैं चाहूँगी कि हमारी बहनें और बेटियाँ साहस के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करें और जीवन में आगे बढ़ें। महिलाओं का विकास स्वाधीनता संग्राम के आदर्श में शामिल है। प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए अपने इतिहास से पुनः जुड़ने का अवसर होता है। ये हमारे वर्तमान का आकलन करने और भविष्य की राह बनाने के बारे में चिंतन करने का अवसर भी है। आज हम देख रहे हैं कि भारत ने न केवल विश्व मंच पर अपना यथाचित स्थान बनाया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया भी है। अपनी यात्राओं और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के दौरान मैंने अपने देश के प्रति उनमें एक नया विश्वास तथा गौरव का भाव देखा है। भारत पूरी दुनिया में विकास के लक्ष्यों और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अग्रणी स्थान बनाया है तथा G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व भी संभाला है। चूंकि G20 समूह दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए ये हमारे लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने का एक अद्वितीय अवसर है। G20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत व्यापार और वित्त के क्षेत्र में हो रही निर्णयों को न्यायसंगत प्रगति की ओर ले जाने में प्रयासरत है। व्यापार और वित्त के अलावा मानव विकास से जुड़े विषय भी कार्यसूची में शामिल किए गए हैं। ऐसे कई मुद्दे जो पूरे मानवता के लिए महत्वपूर्ण है और किसी भौगोलिक सीमा से बंधे हुए नहीं है। मुझे विश्वास है कि भारत के प्रभावी नेतृत्व के साथ G20 के सदस्य देश उन मोर्चों पर उपयोगी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता में एक नई बात ये है कि डिप्लोमेसी को जमीन से जोड़ा गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक गतिविधि में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी तरह का पहला अभियान चलाया गया है। उदाहरण के लिए ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि स्कूलों और कॉलेजों में G20 से जुड़े विषयों पर आयोजित की जा रही गतिविधियों में विद्यार्थी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। G20 से जुड़े कार्यक्रम के बारे में सभी नागरिकों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, सशक्तिकरण की भावना से युक्त इस उत्साह का संचार आज संभव हो पाया है क्योंकि हमारा देश सभी मोर्चों पर अच्छी प्रगति कर रही है। मुश्किल दौर में भारत की अर्थव्यवस्था न केवल समर्थ सिद्ध हुई है बल्कि दूसरों के लिए आशा का स्रोत भी बनी है।
विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं नाजुक दौर से गुजर रही है। वैश्विक महामारी के कारण हुई आर्थिक संकट से विश्व समुदाय पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया था कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो रही घटनाओं से अनिश्चितता का वातावरण और गंभीर हो गया है। फिर भी सरकार कठिन परिस्थितियों का अच्छी तरह सामना करने में सक्षम रही है। देश ने चुनौतियों को अवसरों में बदला है और प्रभावशाली जीडीपी ग्रोथ भी दर्ज की है। हमारे अन्नदाता किसानों ने हमारी आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्र उनका ऋणी है। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन चिंता का कारण बनी हुई है, लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने में सफल रही है। सरकार ने जनसामान्य पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ने दिया है और साथ ही गरीबों को व्यापक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है। वैश्विक आर्थिक विकास के लिए दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई है। आज भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमारी आर्थिक प्रगति की इस यात्रा में समावेशी विकास पर जोर दिया जा रहा है। निरंतर हो रही आर्थिक प्रगति के दो प्रमुख आयाम हैं। एक और व्यवसाय करना आसान बनाकर और रोजगार के अवसर पैदा करके उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरे और जरूरतमंदों की सहायता के लिए विभिन्न क्षेत्र में पहल की गई है तथा व्यापक स्तर पर कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया जा रहे हैं। वंचितों को वरीयता प्रदान करना हमारी नीतियों और कार्य के केंद्र में रहता है। परिणाम स्वरूप पिछले दशक में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकलना संभव हो पाया है। इसी प्रकार आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें प्रगति की यात्रा में शामिल करने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों से अपील करती हूँ कि आप सब अपने परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता को अपनाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास संबंधी सरकारों को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मैं एक शिक्षक रही हूँ, इस नाते भी मैंने ये समझा है कि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। वर्ष 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बदलाव आना शुरू हो गया है। विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के साथ मेरी बातचीत से मुझे ज्ञात हुआ है कि अध्ययन की प्रक्रिया अधिक फ्लेक्सिबल हो गया है। इस दूरदर्शी नीति का एक प्रमुख उद्देश्य प्राचीन मूल्यों को आधुनिक कौशल के साथ जोड़ना है। इससे आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे और परिणाम स्वरूप देश में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। भारत की प्रगति को देशवासियों विशेषकर युवा पीढ़ी के सपनों से शक्ति मिलती है। विकास के अनंत संभावनाएं देशवासियों की प्रतीक्षा कर रही है। स्टार्टअप से लेकर खेलकूद तक हमारे युवाओं ने उत्कृष्टता के नए आसमानों की उड़ान भरी है। आज के नए भारत की महत्वाकांक्षाओं के नई क्षितिज असीम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नई ऊंचाई को छू रहा है और उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस वर्ष इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और कार्यक्रम के अनुसार उसका विक्रम नामक लैंडर तथा प्रज्ञान नामक रोवर अगले कुछ ही दिनों में चंद्रमा पर उतरेगा। हम सभी के लिए वो गौरव का क्षण होगा और मुझे भी उस पल का इंतजार है। चंद्रमा का अभियान अंतरिक्ष के हमारे भावी कार्यक्रम के लिए केवल एक सीढ़ी है।
हमें बहुत आगे जाना है। अंतरिक्ष अभियान में ही नहीं बल्कि धरती पर भी हमारे वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिस्ट देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अनुसंधान नवाचार तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये की राशि के साथ सरकार द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया जा रहा है। ये फाउंडेशन हमारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट को आधार प्रदान करेगा, उन्हें विकसित करेगा तथा आगे ले जाएगा। प्यारे देशवासियों, ज्ञान विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये मानवता के विकास के साधन है। एक क्षेत्र जिस पर पूरे विश्व के वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को और अधिक तत्परता से ध्यान देना चाहिए वो है जलवायु परिवर्तन। हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुई है। देश के कुछ हिस्सों में असाधारण बाढ़ का सामना करना पड़ा है, कुछ स्थान सूखे की मार झेलते हैं। इन सब का एक प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग को भी माना जाता है। अतः पर्यावरण के हित में स्थानीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर प्रयास करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व लक्ष्य को प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान को भारत ने नेतृत्व प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में हमारा देश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विश्व समुदाय को हमने लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया है। प्यारे देशवासियों, असामान्य मौसम की घटनाएं सभी पर असर डालती है, लेकिन गरीब और वंचित वर्गों के लोगों पर उनका और अधिक प्रभाव पड़ता है। शहरों और पहाड़ों क्षेत्रों के जलवायु परिवर्तन की स्थितियों का सामना करने के लिए विशेष रूप से सक्षम बनाने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि लोभ की संस्कृति दुनिया को प्रकृति से दूर करती है, और अब हमें ये एहसास हो रही है कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। आज भी अनेक जनजातीय समुदाय ऐसे हैं जो प्रकृति के बहुत करीब और प्रकृति के साथ सौहार्द बना कर रहते हैं। उनके जीवन मूल्यों और जीवन शैली क्लाइमेट एक्शन के क्षेत्र में अमूल्य शिक्षा प्रदान करते हैं। जनजातीय समुदायों द्वारा युगों से अपना अस्तित्व बनाए रखने के रहस्यों को एक शब्द में ही व्यक्त किया जा सकता है, वो शब्द है हमदर्दी। जनजातीय समुदाय के लोग प्रकृति को माता समझते हैं तथा उसकी सभी संतानों अर्थात वनस्पतियों और जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कभी कभी दुनिया में हमदर्दी की कमी महसूस होती है, लेकिन इतिहास साक्षी है कि ऐसे दौर केवल कुछ समय के लिए ही आते हैं, क्योंकि करुणा हमारा मूल स्वभाव है। मेरा अनुभव है कि महिलाएं हमदर्दी के महत्व को और अधिक गहराई से महसूस करती हैं, और जब मानवता अपनी राह से भटकती है तो वे सही रास्ता दिखाती है। हमारे देश ने नई संकल्पों के साथ अमृतकाल में प्रवेश किया है तथा हमें भारत का वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सभी अपने संवैधानिक मूल कर्तव्य को निभाने का संकल्प लें तथा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें, ताकि हमारा देश निरंतर उन्नति करते हुए कर्मठता तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां हासिल करें। प्यारे देशवासियों, हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शक दस्तावेज है। संविधान की प्रस्तावना में हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्श समाहित है। आइए
हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए सद्भाव और भाईचारे की भावना के साथ आगे बढ़े। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं पुनः आप सबको विशेष रूप से सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना के जवानों, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने वाले सभी बलों एवं पुलिस के जवानों तथा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को बधाई देती हूँ। सभी प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, माय हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर 77th इंडिपेंडेंस डे। इट इज़ ए ग्लोरियस एंड ऑस्पिशियस ओकेजन फॉर ऑल ऑफ अस। आई एम ओवरजॉयड टू सी दैट फेस्टिविटी इज इन द एयर। इट इज़ ए मैटर ऑफ डिलाइट एज वेल एज प्राइड फॉर अस टू सी हाउ एवरीवन, चिल्ड्रेन, यूथ एंड द एल्डरली इन सिटीज एंड विलेजेस एवरीवेयर इन इंडिया आर एक्साइटेड एंड प्रिपेयरिंग टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल ऑफ आवर फ्रीडम। द पीपल हैव बीन सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव विद ग्रेट एंथुजियाज्म। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस ऑल्सो रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड डेज। वी कुड नॉट कंटेन आवर एक्साइटमेंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस इन आवर विलेज स्कूल। When the tricolor was hoisted, we felt an electrifying energy pass through us. With our hearts full of patriotic pride, we salute the national flag and sang the national anthem. Sweets were distributed and patriotic songs were sung, which kept playing in our minds for many days. I was fortunate in having an opportunity to relive these experiences when I became a school teacher. When you grow up, we may not remain as expressive of our joy as children are, but I am sure that the intensity of the patriotic feelings associated with the celebration of national festival is not diminished at all. Independence Day reminds us that we are not merely individuals, but we are part of a great community of people. It happens to be the biggest and the greatest community of its kind. It is the community of the citizen of the world's largest democracy. What we celebrate on Independence Day is the fact that we are part of a great democracy. Each of us has many identities, apart from caste, creed, language, and region. We are also identified with our families and professions. But there is one identity that is above all. That is our identity as citizens of India. Each one of us is an equal citizen. Each one of us has an equal opportunity, equal rights, and equal duties in this land. But it was not always so. India is the mother of democracy, and since ancient times, we had democratic institutions functioning at the grassroots. But long years of colonial rule wiped them out. On 15th August 1947, the nation woke up to a new dawn. We not only own freedom from foreign rule, but also the freedom to rewrite our destiny. With our independence began the era of foreign rulers, withdrawing from many colonies, and colonialism drew close to its end. What is special about our freedom struggle is not only the fact that its objective was achieved, but also how it was fought. Under the leadership of Mahatma Gandhi and a galaxy of extraordinary visionary leaders, our national movement was animated by a unique set of ideals. Gandhiji and others rekindled the soul of India and helped the nation rediscover its civilizational values. Following Indian shining example, truth and non-violence, the cornerstone of our resistance, has been successfully employed in many political struggles around the world. On the eve of Independence Day, I join my fellow citizens
in paying grateful tribute to the known and unknown freedom fighters whose sacrifices have made it possible for India to regain its rightful place in the Committee of Nations. Great women freedom fighters like Matangini Hajra and Kanakalata Borua laid down their lives for Bharat Mata. Ma Kosturba missed the father of the nation, Mahatma Gandhi, every step of the way on the difficult path of Satyagraha. Many great women leaders like Sarojini Naidu, Amu Swaminathan, Rama Devi, Oruna Asaballi, and Sucheta Kriplani had set inspiring ideals for all future generations of women to serve the nation and the society with self-confidence. Today, women are contributing extensively in every field of development and service to the country and are enhancing the nation's pride. Today, our women have made their special place in many such fields in which their participation was unimaginable a few decades ago. I am happy to note that the economic empowerment of women is being given special focus in our country. Economic empowerment strengthens the position of women in the family and society. I urge all fellow citizens to give priority to women empowerment. I would like our sisters and daughters to overcome challenges with courage and move ahead in life. Development of women was among the ideals of our freedom struggle. Dear citizens, Independence Day is an occasion to reconnect with our history. It is also an occasion to assess our present and reflect about our way forward. Looking at the present, we see that India has not only regained its rightful place on the world stage, but it has also enhanced its standing in the international order. During my visits and interactions with the members of the Indian diaspora, I have observed a new confidence in the India story. India is playing a crucial role in promoting developmental and humanitarian goals around the world. It has also assumed leadership of international forum, especially the presidency of G20. As the G20 represents 2/3 of the world population, this is a unique opportunity to help shape global discourse in the right direction. With the G20 presidency, India can nudge decision-making in trade and finance towards equitable progress. Beyond trade and finance, matters of human development too are on the agenda. There are many global issues that concern all humanity and are not limited by geographical boundaries. I am confident that with India's proven leadership in dealing with global issues, member nations will be able to advance effective action on these fronts. What is notable in India's presidency of G20 is the way this diplomatic activity has been taken to the grassroots. There has been a first of its kind campaign to encourage people's participation. It is delightful to see, for example, students enthusiastically participating in diverse contexts organized in schools and colleges, touching upon the themes of G20. All the citizens are enthusiastic about events related to G20. Dear fellow citizens, this enthusiasm, along with a sense of empowerment, is possible because the nation has been taking great strides on all fronts. India's economy has proven to be not only resilient during turbulent times, but is also a beacon of hope for others. The world economy is passing through a delicate stage as the
pandemic has been followed by international events that have added to the air of uncertainty. Yet, the government has been able to navigate the stormy waters very well. India has converted challenges into opportunities and has recorded high GDP growth. Our annadata farmers have contributed significantly to our economic growth. The nation feels indebted to them. Inflation at the global level remains a cause for worry. But in India, the government and the Reserve Bank have managed to contain it. The government has succeeded in protecting the common people from high inflation while also providing a more extensive security cover to the poor. The world looks up to India for global economic growth. The continued economic progress is driven by a two-pronged strategy. On the one hand, there is a sustained push to unleash the forces of enterprise by making it easier to do business and generate job opportunities. On the other, proactive and expanded welfare initiatives for the needy have been taken in various domains. Giving priority to the deprived remains the focus of our policies and actions that have lifted a large number of people out of poverty in the last decade. Similarly, there are specific programs to improve the conditions of tribals and encourage them to join the journey of progress. I appeal to our tribal brothers and sisters to enrich their traditions while embracing modernity. I am happy to note that along with economic growth, human development concerns have also been accorded high priority. Having been a teacher also, I have realized that education is the greatest tool of social empowerment. The National Education Policy of 2020 has started making a difference. From my interactions with students as well as educationists at various levels, I gather that the learning process has become more flexible. The visionary policy, which aims to merge ancient values with modern skills, will bring in unprecedented changes in the education sectors over the years, leading to a great transformation of the nation. India's economic progress is powered by the dreams of its people, particularly the young generation for whom limitless opportunities have opened up. From startups to sports, our youth have explored new horizons of excellence. The aspirations of the new India have infinite dimensions. The Indian Space Research Organization keeps scaling new heights and setting higher benchmarks of excellence. This year, ISRO launched Chandrayaan 3 and its lander named Vikram and its rover named Pragya are slated to land on the moon in the next few days. It will be a proud moment for all of us, and I look forward to it. But the mission to the moon is only a stepping stone for our future space programs. We have to go far ahead. For their work in space and also on Earth, our scientists and technologists are bringing laurels to the country to foster the spirit of research, innovation, and entrepreneurship. The government is setting up the Anusandhan National Research Foundations with an amount of rupees 50,000 crore for next 5 years. The foundation will seed, grow, and promote research and development in our colleges, universities, and research institutions. Dear citizens, for us, science or knowledge are not ends in themselves, but are a means for the betterment of all the people. One area that merits urgent attention of scientists and policymakers all over the world is climate change. We have faced numerous extreme weather events in recent years. Parts of India
have faced extraordinary floods. At the same time, there are places facing drought. These events are also attributed to the phenomenon of global warming. Therefore, it is necessary to make efforts at the local, national, and global levels for the environment. In this context, it is noteworthy that we have achieved unprecedented goals in the field of renewable energy. India is providing leadership to the International Solar Alliance. Our country is playing a leading role in fulfilling international commitments. We have given the mantra of life, that is, lifestyle for environment, to the global community. Dear fellow citizens, extreme weather events affect all, but their impact is far more severe on the poor and the marginalized. Cities and hilly terrains especially need to be made more resilient. The larger point here is that the culture of greed takes the world away from nature. We now realize the dire need to return to our roots. I know that there are still many tribal communities who live very close to nature and in harmony with it. Their values and lifestyle offer invaluable lessons for climate action. The secret of the survival of the tribal communities through ages can be summarized in one word. That single word is empathy. They have empathy for all Mother Nature's fellow children, flora and fauna alike. Sometimes, however, the world seems to be suffering from a deficit of empathy. But history shows that such periods are only aberrations, and kindness is in our fundamental nature. It is my experience that women have empathy in greater measure, and they show the way when humanity goes astray. Our country has entered Amrit Kal with new resolutions, and we are moving forward towards making India an inclusive and developed nation by the year 2047. Let us all take a pledge to perform our fundamental duty to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Dear fellow citizens, our Constitution is our guiding document. Its preamble contains the ideals of our freedom struggle. Let us move forward with the spirit of harmony and brotherhood to realize the dreams of our nation builders. On the eve of Independence Day, I once again extend my greetings to you all, especially to our soldiers guarding the borders, jawans of the forces, and the police providing internal security, and to the members of our diaspora living in every part of the world. I convey my best wishes to you all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.
आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तिरंगा है हमारी आन पान और शान, गर्व है हमें संस्कृति सभ्यता और विरासत पर। हमारी हर धड़कन में बसा है हिंदुस्तान। समय है आजादी के जश्न का, 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाल किले से सीधा प्रसारण सिर्फ दूरदर्शन नेटवर्क पर। दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, D2H पर 175 नंबर, हैथवे पर 040 नंबर, डेन पर 138 नंबर, डिश टीवी पर 193 नंबर और डीडी फ्री डिश पर 002 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। दिल को छू लेने वाला संगीत, सड़क में एक घोड़ा, प्यार, जुदाई, हम लाहौर नहीं जाएंगे, तेरी जुर्रत का ड्रामा।